So now, what is the next fish in our list? That is pufferfish. Also known as blowfish, pufferfish has the ability to blow themselves up several times their normal size to escape their predators. They contain a very poisonous substance with no known antidote. Antidote means जो पॉइजन वो निकालते हैं ना उनको क्योर करने के लिए हम एंटीडोट देते हैं, ठीक है. इन फैक्ट पॉइजन इन वन पफर फिश कैन किल 30 ह्यूमन एडल्ट्स. अमेजिंगली द मीट ऑफ पफर फिश इज कंसिडर्ड एज अ डेलिकेसी इन जापान. दिस फिश आर कॉल्ड फुगु एंड आर प्रिपेयर्ड ओनली बाय एक्सपर्ट शेफ्स. नाउ हमारे लिस्ट में सबसे नेक्स्ट कौन सी डेंजरस फिश है? पफर फिश. ये इसको और हम क्या बोलते हैं? ब्लो फिश. क्या कहते हैं? ब्लो फिश. ये अपने इसके पास इस क्या क्वालिटी है जो ये बहुत डेंजरस है? ये अपने बॉडी को सेवरल टाइम्स अप, जैसे इसका साइज अगर इतना है तो अपने प्रेडिटर मतलब जो अपने दुश्मनों के सामने वो इतना से इतना हो जाती है, मतलब अपना साइज ब्लो अप कर लेती है ताकि जो इसके जो प्रेडिटर्स है मतलब जो प्रे है जो दुश्मन है वो उसको देख के डरे. और ये इसके बॉडी में बहुत सारे पॉइजन भी हैं जो बहुत ज्यादा जो अभी तक इसके पॉइजन का एंटीडोट भी नहीं निकला है, मतलब जो क्योर करे इसके पॉइजन को अभी तक वैसा भी नहीं निकला है. एंड ये जो पफर फिश है अभी तक इसने 30 ह्यूमन एडल्ट्स को किल कर चुके हैं अपने पॉइजन से. सो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जापान में एक बहुत अच्छी डिश की तरह प्रिपेयर किया जाती है एक्सपर्ट शेफ्स. एंड वहां पे इस डिश को क्या बोलते हैं? फुगु. सो जापान में इसको खाया भी जाता है, जापानीज लोग इसे खाते भी हैं अपार्ट फ्रॉम दैट. सो वी विल नो द नेक्स्ट फिश. व्हाट इज इट? स्टोन फिश. द ब्राउनिश कलर्ड फिश हैव द एबिलिटी टू क्विकली ब्लेंड इन विद देयर सराउंडिंग्स. The ability make them look like stones on the ocean floor. They use their venom to catch their prey and stay away from predators. Their stings are very painful and may cause death if left untreated. Their venom has the potential to kill an adult human in less than an hour. So, हमारे लिस्ट में next dangerous fish कौन सी है? That is stonefish. स्टोनफिश क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसके और क्या क्या क्रिएचर्स हैं? वो एक ब्राउनिश कलर की फिश है और उसके पास क्या एबिलिटी है कि वो ओशन के जो लोअर पार्ट में जाके अलग स्टोन और जो स्टोन्स रहते हैं ना उनके साथ जाके ब्लेंड हो जाना, मतलब ब्लेंड मींस मिक्स हो जाना. उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो एक स्टोन का कलर लेके वो छुप जाती है ताकि उसके जो प्रेडिटर्स है जो उसके दुश्मन है वो उसको पहचाने नहीं. और उसके पास ये भी है कि उसके पास बहुत सारे पॉइजन है, बहुत डेंजरस पॉइजन है जो उसके प्रेडिटर्स को उससे दूर रखते हैं, ठीक है. और अगर ये पॉइजन किसी ह्यूमन या फिर किसी फिश में चला जाए, अगर वो ट्रीट नहीं हुआ तो वो कॉज डेथ भी कर सकता है एक ह्यूमन में. सो ये बहुत ज्यादा हार्मलेस होता है इसका पॉइजन या वेनम, ठीक है. और वो लेस देन वन आवर में भी एक ह्यूमन एडल्ट को किल कर सकता है उसका पॉइजन. ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट इन आवर लिस्ट? द व्हाइट ग्रेट शार्क, मतलब ग्रेट व्हाइट शार्क. ग्रेट व्हाइट शार्क्स होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फेटल अटैक्स ऑन ह्यूमंस. दे हैव 300 शार्प टीथ अरेंज्ड इन 7 रोज विद 6 रिफाइंड सेंसेस ऑफ स्मेल, साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. द ग्रेट व्हाइट शार्क इज द लार्जेस्ट प्रेडेटरी फिश इन द वर्ल्ड. सो अपार्ट फ्रॉम दिस 5 इलेक्ट्रिक रे, बॉक्स जेलीफिश, पफर फिश एंड स्टोन फिश, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे डेंजरस फिश कौन सी है? ग्रेट व्हाइट शार्क. यू ऑल नो, है ना, ग्रेट व्हाइट शार्क सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स है ह्यूमन अडल्ट को मारने का, ठीक है, क्योंकि उस ग्रेट व्हाइट शार्क के पास 300 शार्प टीथ्स हैं जो 7 रोज में अरेंज हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा उसके पास बहुत सारे अलग अलग क्वालिटीज है, लाइक स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, साइट देखने की, हियरिंग सुनने की, टच टेस्ट, ये सारे एबिलिटीज
इसको बहुत ज्यादा सबसे अलग बनाते हैं एंड सबसे ज्यादा डेंजरस भी। ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड की सबसे डेंजरस और प्रेडेटरी फिश है इन द ओशन और सी। सो वी ऑल कैन नो कि हमारे पास 6 लिस्ट आ गई हमने आज पढ़ी इस चैप्टर में, जो वर्ल्ड की सबसे डेंजरस फिशेस है अपार्ट फ्रॉम ग्रेट व्हाइट शार्क, दैट इज इलेक्ट्रिक रे, बॉक्स जेलीफिश, पफर फिश, स्टोन फिश एंड सबसे लास्ट में जो सबसे डेंजरस है ऑब्वियसली दैट इज ग्रेट व्हाइट शार्क।